सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडनकार जी। आज का टॉपिक है, कहे हर देव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरी सिल्ली जुड़ती है मन में शीतलता आ जाती है। प्यारी सात संगत जी, खामोशी साइलेंस, जहां पर इंसान खामोश रहता है तो वहां पर अपने आप एक साइलेंस माहौल होता है, शांति का माहौल बन जाता है। हम देखें कि कई के घर ऐसे होते हैं जहां दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तू तू मैं होती रहती है, तो फिर वहां पर शांति नहीं रहती है। और फिर जहां पर शांति नहीं है फिर वहां पर सुख भी नहीं रहता है। सुख शांति यानी सुख से ही शांति और शांति से ही सुख है। तो यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि कहे हरदेव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरी सिल्ली जुड़ती है मन में शीतलता आ जाती है। कि जो खामोश रहता है, चुपचाप रहता है, तो उसका मन परमपिता परमात्मा के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। बाबा जी समझा रहे हैं हरदेव वाणी में कि निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें, सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से दूर रहे, वाद विवाद में पड़ने से न हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हरदेव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरी से लिप जुड़ती है मन में शीतलता आ जाती है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी यहाँ पर हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये निरंकार दातार कितना मौन है तो हमारे अंग संग है, लगता तो कुछ भी नहीं है लेकिन यही सब कुछ है, बिल्कुल मौन है, शांत है। और जैसा ये अगर निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं तो फिर हम भी मौन ही हो जाएंगे, क्योंकि निरंकार के जो गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे लेकिन हमें निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो बाबा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि निरंकार जो है ये मौन है, ये शांत है, तो हम भी कम बोले और जब भी बोले तो तोल कर बोले, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। कि जब भी हम बोले हमारी वाणी में नपी तुली होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि हम जो बोल रहे हैं तो हमारी बातों से किसी को कुछ नुकसान ना हो, किसी के दिल में कोई चोट ना पहुंचे, तो नाप तौल के बोलना है, सोच समझकर बोलना है, सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से दूर रहे। कि जो संत महात्मा होते हैं, भक्तजन होते हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और जो सोच समझ के बोलते हैं उनका मन शक्तिशाली रहता है, शक्ति से भरपूर होते हैं वो, उनकी बुद्धि भी शुद्ध रहती है, उनके मन में राग द्वेष का भाव नहीं होता है, क्योंकि उस समय परमात्मा को देखते हैं, हरि के दर्शन करते हैं। वाद विवाद में पड़ने से न हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कि वाद विवाद से हमेशा अशांति ही होती है, जहां पर डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, वहां पर अशांति का माहौल होता है। और अक्सर जो समझदार लोग होते हैं, विवेकी जन होते हैं, वो कभी वाद विवाद नहीं करते, वो डिस्कशन से वाद विवाद से बहुत दूर रहते हैं, जहां पर बहस होती है वहां से उठकर चले जाते हैं। और वाद विवाद तो एक मूर्खों वाला ही काम होता है कि अगर हम ज्यादा बहस करेंगे तो फिर दुनिया ही बोलेगी कि ये तो मूर्ख है। तो हमें कभी भी बहस में नहीं पड़ना है, वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वाद विवाद करने से हमेशा झगड़े ही होते हैं, अशांति का माहौल ही रहता है। और ज्यादा हम बात करेंगे तो फिर हमारे अंदर का जो अवगुण है वो भी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह हमें वाद विवाद से हमेशा दूर रहना है। कहे हरदेव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरी से जुड़ती है मन में शीतलता आ जाती है। बाबा जी कह रहे हैं कि खामोश रहो, चुप रहो, चुप रहोगे, खामोश रहोगे तो जीवन में सुख आएगा। एक खामोशी सौ सौ सुख लेकर आती है। किसी को उल्टा जवाब मत दो, कोई अगर बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए। हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता शक्ति का सूचक है, सहनशीलता कमजोरी नहीं है। तो अगर कोई बोल रहा है, कुछ ही बोल रहा है, तो हमें चुप रहना है,
पलट कर उल्टा जवाब नहीं देना है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति रहेगी, सुख आएगा और परम पिता परमात्मा के साथ में ये मन की तार जुड़ी रहेगी और मन में ठंडक रहेगी, शीतलता रहेगी। तो हमने हमेशा बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जो शब्द है, निरंकारी मौन है कितना हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें, सोच समझ कर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो राग द्वेष से दूर रहे, वाद विवाद में पढ़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा, कहे हरदेव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरि से लिए जुड़ती है मन में शीतलता आ जाती है। तो ये जो शब्द है इसको अपने कर्म में लाएं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में लाएं, व्यवहार में लाएं और जीवन को सुख और शांति से बिताएं। सत्संग जी प्यार से बोलिए दंडन का जी।